पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने एक बार फिर एशिया कप 2023 को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजा ने कहा है कि अगर भारत ने के पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने के कारण उनकी मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए गए तो पाकिस्तान 2023 एशिया कप से हटने पर विचार कर सकता है। रमीज ने रावलपिंडी में भारत के खिलाफ ये बयान दिया। रमीज ने रावलपिंडी में पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट के बाद कहा कि ऐसा नहीं कि हमारे पास मेजबानी के अधिकार नहीं है और हम इसकी मेजबानी करने की अपील कर रहे हैं। हमने निष्पक्ष अधिकार जीते हैं। अगर भारत नहीं आता है तो वो भी नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान से एशिया कप छीन लिया जाता है तो शायद हम इससे बाहर हो जाएंगे। अक्टूबर में भारतीय बोर्ड सचिव और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक के बाद कहा था कि एशिया कप 2023 तटस्थ स्थान पर आयोजित किया जाएगा क्योंकि भारत पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर सकता। शाह ने कुछ दिनों बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत की पाकिस्तान यात्रा देश के गृह मंत्रालय की सलाह पर निर्भर करेगी। रमीज ने भी कहा कि हमने दिखाया है कि हम महान टीमों की मेजबानी कर सकते हैं। मैं द्विपक्षीय क्रिकेट से संबंधित मुद्दों को समझ सकता हूं, लेकिन एशिया कप एक बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट एशियाई ब्लॉक के लिए लगभग विश्व कप जितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले हमें ये क्यों दें और फिर भारत के पाकिस्तान नहीं आने के बारे में वे सारे बयान दें। मैं स्वीकार करता हूं कि भारत नहीं आएगा क्योंकि सरकार उन्हें आने की अनुमति नहीं देगी, ठीक है, लेकिन एशिया कप लेने के लिए इस आधार पर मेजबान से दूर रहना सही नहीं है। रमीज ने भी कहा कि अगले साल के एशिया कप को पाकिस्तान से तटस्थ स्थल से जाना राजनीतिक परिस्थितियों के आगे झुकना होगा। द्विपक्षीय रूप से और दोनों देशों में खेलने के प्रयास किए जाने चाहिए। जब राजा से पूछा गया कि भारत को पाकिस्तान में खेलने के लिए क्या करना होगा तो रमीज ने बीबीसी के टेस्ट मैच स्पेशल से कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान नहीं खेल रहे हैं तो कोई प्रतियोगिता नहीं है। मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है। मुझे हमेशा भारत में प्यार किया गया है। मैंने इतने सारे आईपीएल संस्करण किए हैं। मुझे पता है कि प्रशंसक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ देखना चाहते हैं। आपने देखा कि विश्व कप में क्या हुआ, 90,000 प्रशंसक एमसीजी में आए। मैं आईसीसी से थोड़ा निराश हूं। जब फीफा अध्यक्ष सामने बात रखी गई कि अमेरिका ईरान से क्यों खेल रहा है, ईरान के पास इतने सारे मुद्दे हैं, महिलाओं के अधिकारों के बारे में उन्होंने फुटबॉल को उठाया और कहा कि इससे बहुत सारे मुद्दों का समाधान हो सकता है। खेल के माध्यम से हम जनजाति मानसिकता का ख्याल रख सकते हैं। मुझे लगता है कि बल्ले और गेंद को बात करने दें। 50 ओवरों का विश्व कप अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाला है। पाकिस्तान पहले ही इससे हाथ खींचने की संभावना जता चुका है। रमीज राजा कह चुके हैं कि अगर एशिया कप को पाकिस्तान से बाहर किया जाता है तो अगले साल विश्व कप से बाहर हो जाएंगे। रमीज ने भी कहा कि ये यहां काफी भावनात्मक विषय है। बीसीसीआई द्वारा एक तरीके से बहस शुरू की गई है, हमें जवाब देना था। टेस्ट क्रिकेट को भारत बनाम पाकिस्तान की जरूरत है। भारत ने पिछली बार 2008 में एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। वहीं पाकिस्तान आखिरी बार 2016 के T20 विश्व कप के लिए भारत आया था। तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण पाकिस्तान के 12-13 में सफेद गेंद की श्रृंखला के लिए भारत का दौरा करने के बाद से देशों के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं हुआ। टीमें केवल ACC और ICC आयोजनों में एक दूसरे के खिलाफ खेली हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।